आज हम आपको बताने वाले हैं धीरे धीरे विलुप्त होता हुआ एक प्राणी के बारे में जो अपने सींगों के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बताने वाले हैं आपको बारहसिंगा के बारे में, जिसे अंग्रेजी में रेनडियर या स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इस जानवर का नाम बारहसिंगा क्यों पड़ा, क्योंकि इसके सिर पर मौजूदा सींग की वजह से इसका नाम बारहसिंगा पड़ा है। इसके सिर पर करीब 12 सींग होते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो कुछ बारहसिंगा के सर पर 12 से ज़्यादा सींग होते हैं, जिनकी संख्या 20 के करीब भी हो सकती है। यह बारहसिंगा रात से ज़्यादा दिन में एक्टिव रहता है और यह पूरा दिन चरता रहता है। इससे हमेशा भोजन की तलाश रहती है और यह हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता है। यह बारहसिंगा हमेशा झुंड में रहना पसंद करता है, क्योंकि यह एक सामाजिक प्राणी है। इनके झुंड की संख्या आमतौर पर 20 से लेकर 60 के करीब होती है। बारहसिंगा का औसतन वजन 180 से लेकर 200 किलोग्राम तक होता है और इनकी ऊंचाई करीब 4 फीट होती है। और अगर इनके रंग रूप की बात करें तो बारहसिंगा दिखने में गहरा नारंगी या हल्का भूरा होता है और मादा के मुकाबले नर हमेशा ज़्यादा चमकदार होता है। अगर बारहसिंगा के भोजन की बात करें तो ये क्या क्या खाते हैं, तो ये एक शाकाहारी प्राणी है जो केवल घास खाता है और ये पेड़ों की पत्तियाँ, टहनियाँ, फल ये सब खा भी लेता है। अगर बात करें तो इस जानवर का दुश्मन यानी कि शिकारी कौन कौन है, तो तेंदुआ, टाइगर और हम मनुष्य भी इस प्राणी का शिकार करते हैं। अब बात करते हैं इनकी संख्या कम क्यों हुई, तो हम इंसानों ने इनके सींग और मांस के लिए इनका शिकार करते हैं और इनका शिकार करने की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में से तो विलुप्त हो चुके हैं और ये भारत में सिर्फ उत्तरी भाग में ही मिलते हैं। अब ये बारहसिंगा विलुप्त होती प्राणी के श्रेणी में गिना जाता है। पहले ये पूरे एशिया में पाया जाता था, लेकिन ये उत्तरी भारत और नेपाल में ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भारत में मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और यूपी का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और असम का काजीरंगा नेशनल पार्क में अब आप इसको देख सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि वन्य प्राणियों के बारे में ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए हर रोज लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।